मौजूद हाजरीन, आपकी खिदमत में आपका अपना साजिद यजदानी फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके लिए हर हफ्ते नई से नई चीज लेकर आएंगे, हमने आज आपके लिए फिल्मी सनत के कोना मशिक हदायतकार और सबसे मारूफ हदायतकार अल्ताफ हुसैन साहब को दावत दी थी, वो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। अल्ताफ हुसैन का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। बड़ी मेहरबानी। बहुत सीनियर हदायतकार, फिल्म इंडस्ट्री से 60 बरस से, ये निसफ सदी नहीं बल्कि 60 बरस हो गए इनको फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए और फिल्म में मुसलसल कामयाबियों से हमकनार हुए। 60 बरसों में बहुत से ऊंच नीच देखी, बहुत से अदवार देखे, बहुत से लोगों से काम किया और ये फिल्मी सनत के वाहद हदायतकार हैं और जिनकी तादाद इस वक्त 80 से ज़्यादा मैं समझता हूँ फिल्मों की है और इनसे बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं इनका बताऊँगा कि अल्ताफ हुसैन साहब कब और कहाँ से आए। हदायतकार अल्ताफ हुसैन साहब मुल्तान से तशरीफ़ लाए, उनमें शुरू से ही एक इनफरादियत पैदा करने का शौक़ था, अपने आप को नुमाया कर आने का शौक़ था। उस नुमाया आदमी बनने के लिए और नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। वो दौरान तालीमी लाहौर आ गए, यहाँ कॉलेज में दाखिला लिया, तालीम हासिल करने के बाद वो रॉयल पार्क और स्टूडियोज़ भी आए, यहाँ पर काम किया, एज ए फिल्म रिपोर्टर भी काम किया, एज ए फिल्मों में एडवर्टाइजिंग में भी काम किया। काम करते करते एक दिन अचानक स्टूडियोज़ में अनवर कमाल पाशा साहब से इनकी मुलाकात होती। अनवर कमाल पाशा कौन? मोहम्मद कमाल पाशा साहब के वालदे ग्रामी और पाकिस्तान के सबसे बड़े और अजीम हदायतकार। उनसे जब मुलाकात हुई, इनकी दुआ सलाम हुई, तो उन्होंने पहली नज़र में ही इनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को भांप लिया और उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। जब उन्होंने ये ख्वाहिश देखी कि इनमें काम करने की सच्ची लगन मौजूद है, तो उन्होंने इन्हें अपनी डायरेक्शन में ले लिया और इन्होंने मामनत हासिल कर ली। इस तरह ये उनके मामनिन की तवील कतार थी उनके पास, मगर अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से उनके असिस्टेंट्स में भी एक मुकाम पैदा किया जल्दी, और यही वजह है कि उस्ताद की मेहरबानी से और उनकी नज़र करम से ये हीरा जोहरी की नज़र में आ गया और ये चमक कर उभर कर फिल्मी सनत पर छा गया। और इनको पहली फिल्म कब मिली, किस जद्दोजहद से गुजरे, कैसे बनी फिल्म और आगे कैसे कामयाबी हासिल की, तो हम बात करते हैं हदायतकार अल्ताफ हुसैन साहब से। शुक्रिया अल्ताफ साहब, आपको हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह फिल्मी सनत में आना हुआ। भाई जी, मुझे शौक तो था शुरू से काम करने का, मगर जो कि और ये भी मामला, मुझे शौक था कि मैं मेरी नुमाया और मैं पहचाना लूँ, यानी अपने आप में चाचा वाले लोग मुझे पहचाने कि ये एक बात है। इन बच्चों की ये शौक कभी भी तौर पर मुझे किसी ने ये नहीं बताया तो किसी को देख के बनाई हुआ। स्कूल में आऊँ तो मैं लेट आता था, इसीलिए लेट आता था कि जब क्लास में लोग बैठ जाते थे तो मैं जब लेट पढ़ाने जाके कहता हूँ मैं कहूँ सर मैं बोल, तो सारे क्लास के लड़के मुझे देखते, तो मैं समझता था कि ये मेरी पहचान बन रही है। ये मेरा ये अल्लाह जाने मैं उसको नेगेटिव सोचती या पॉजिटिव सोचती, पर मुझे घर बनाने के लिए होता ये शौक था। वही बस मुझे हमने यहाँ से प्राइम में स्कूल से कॉलेज में आया, वहाँ पढ़ा, मगर वहाँ जब ये हुआ कॉलेज में जब पहुँचा तो लाहौर में मैं था उस वक्त, तो लाहौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थी, लिहाजा मेरा शौक जो है वो खुद वहाँ पर होता था, लिहाजा वो तालीम भी मेरी दूरी रह गई। मैंने अपना ऐसे क्लेम भी नहीं किया तो मैं इस एससी में आ गया, क्योंकि मेरे अपना फैमिली ने बहुत इतराज किया सबने बहुत ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि उसमें मेरी वालदा ने बहुत मुझे डांटा, मगर मैंने यही लफ्ज कहा अपनी माँ से, माँ जी मुझे ये शौक है, मैंने यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जब माँ ने मेरी जिद देखी और मेरा शौक देखा तो कहने लगी, मैं माँ जी ये दुआ में मान रही है ना, तो इंशाल्लाह मैं जरूर कुछ ना कुछ बना कर देता हूँ। मेरी माँ ने दुआ दिया, चूंकि माँ मेरी अपना उसे खानवा का इंतजाम मेरे छोटे भाई जी को, और चूंकि मुल्तान में इब्तदाई तालीम थे
की थी, मैं मुल्तान में था, फिर मैं अपना इंडिया का ही अपना पीछे दो क्लास है उसी में पढ़िया, तो बड़ा इस तरह गुजरते हुए मैं इस नसीब आ गया। उन दिन मेरे यहाँ तालीम भी छाई थी करा गई, एक साल में कोई ऐसी राजपाल से पिक्चर पोस्ट फॉर्मेटली श्री मतीन साहब के एडिटर साहब जी, और वो सारे मशहूर देखना कैमरामैन जी फारूक बटाच और वाले साहब सर, लिहाजा मैंने उनको चला गया क्या है एरिया सर बोलते रहिए, तो उन्होंने क्या किया इंडस्ट्री में शौक में काम करने का मैं खबर लिया मैंने सलाम किया तो मैं क्रॉस करके जा रहे हैं तो बात लो जी सर कहें क्या करते हो सर कुछ नहीं करता मुझे शौक है काम करने का क्या काम करने का मेरे में इलेक्ट्रिक का बड़ा शौक है सर तो गया था मैं इसी तो उन्होंने आवाज दी मगो तो एक भारी भकम अपना बंदा एंट्री हुआ उसमें जी सर उनका अपना रात को अपना शूटिंग है साजिश की आसिफ जी के साथ वो एक लड़का है जिसके दो तीन सीन है कहले जी सर कहले वो अपना इसे दे दो क्या नाम है तुम्हारा मेरे जी अल्ताफ कहले इसे दे दो इसे शाम को बुलाओ अब मेरी खुशी के इम्तहान है जी कि वो मुझे एकदम अल्लाह ने कर्म किया मुझे काम ही लिया तो मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया उनका लिहाजा शाम को मैं सेट में आ गया तो मैंने आसिफ जी के साथ वो सीन किया तो मेरे उस्ताद भाई साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया बहुत अच्छा बोलते थे उठे जब जाने लगे तो दो गाड़ियां खड़ी थी एक गाड़ी में कुछ बैठ गया दूसरी गाड़ी में उनके असिस्टेंट थे पांच छे उन्होंने कहा असिस्टेंट को सारे बैठो सारे बैठ के मैं बाहर खड़ा था कले तुम भी बैठो मैं भी बैठ गया उनके घर पहुंच गए कोठी पहुंचे वहां जाके बैठे वहां तमाम असिस्टेंट को वो ट्रेन किया करते थे उन्होंने बताया करते थे कैसे काम होता है डायलॉग करते थे उन्होंने बोलना सिखाते थे आर्टिस्ट को बोलते बताया करते हैं फिर भी उनका एक अंदाज अंदाज काम करने का तो वहां बैठे हुए बातें करेंगे कहेंगे कि तुम्हें एक मशवरा नहीं था देखा जी कहेंगे मुझे लगता है कि तुम एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्टर अच्छे बन सकते हो ये आपकी नजर है आप देख लीजिए मुझे सिस्ट करो तुम अच्छे डायरेक्टर बनोगे आप ये समझते हैं कि मैं डायरेक्टर अच्छे बन सकता हूँ तो मैं आपके कैटेगरी अवर करता हूँ मैंने उस दिन से असिस्टेंट उनके साथ हो गया लिहाजा मैंने काम शुरू कर दिया फिर सफेद खून की हरे राम की कोरोना की पहले मैंने मेजर अजीज भतीजा नाम किया था शौक शौक के साथ असिस्टेंट के साथ मेरे उस्ताद ने मेरा शौक भी पूरा किया उन्होंने फिल्म की
ये वार पे थी, जंग पे थी, कैसे की जंग है जी जी, और उसमें नीचे कैसी बैठी है, मैंने किया सर मैं उदाहरण नहीं ना बनी। अच्छा उसे तो लिहाजा बड़ी खुशी हुई। इसी दौरान मैंने जब 5-6 फिल्मों के साथ असिस्ट किए भाई साहब के साथ, तो एमएटएम साहब एडिटिंग किया करते थे और वो फिल्मों के एडिटर भी थे, डायरेक्टर और डायरेक्टर अभी नहीं बने, अच्छा अभी नहीं बने। अच्छा उन्होंने एक फिल्म की थी भाई साहब, जब मेरे उस्ताद की खूबी थी राजेंद्र सिंह करें कि वो उनका अपना ज्यादा था नॉट एटीज, उनके पीछे जितने पहले शिविर थे उनसे पहले जो थे वो थे जाकर मेरे साथ हर सैनी साहब, सैनी साहब और एस सुलेमान साहब, गवर्नेंस थे कैसे साहब, ये सब तो उन्होंने अपने हर सिस्टम को फिल्म की। अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने का, चलिए प्रोड्यूस भाई हमको बता पा सकते डायरेक्टर डायरेक्टर भाई थोड़ा सा आगे भी सेवा दी जिसको, लिहाजा उन्होंने अपने शागिर्दों को उन्होंने अपने हाथों से डायरेक्टर अक्रम साहब चूंकि ये बेटी पति क्या करते हैं दोनों की, तो अक्रम साहब ने कहा मियां जी यहां साहब मुझे बड़ा शौक है हमारे उस्ताद अपने सिस्टम की करवाते थे ना, इतनी इज्जत मैंने नहीं देखी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर अपने सिस्टम की इतनी इज्जत है। बल्कि एक मैं छोटा सा चलती होती फिल्म बनी थी तो उसमें थी शीरी हीरोइन थी शीरी अकमल जी, तो जब बना वो थे अरविंद साहब थे हार्ट ड्रॉप का डायरेक्टर, तो शीरी हिमाचल गाना एक चल रहा था पिछड़ा हुआ था, तो मैं गाने के बोल चुना वो शीरी को बता कि ये बोल है ये कहना तुमने, रेसल हो रही थी उसके बाद वो रेसल कर रही थी तो उसे करने की याद नहीं रहा कि मैं क्या करना है, तो उसे कहा एताफ, जब उसे इताफ कहा ना तो मैंने महसूस सोचा ना मैंने जी मैं जी कहता ना तो एकदम आवाज है कौन एताफ, तो मैंने मेरे उस्ताद नहीं है शीर को कह रहे हैं, जिसने मुझे कहा वो भाई की थी मेरे को कहते तुमने कैसे कहा इताफ इताफ साहब को, वो अपने यानी सिस्टम को इज्जत ये देते थे कि मैं तुम्हें चीफ सिस्टम था, इसीलिए उन्होंने कहा कि इताफ साहब को लेकर कल को डायरेक्टर बनना है और तुमने इसके ऊपर काम करना है, ये सिस्टम थी कदर थी, इसीलिए पहली बात आप देखिए कि जितने अपना सिस्टम है जो अपने उस्ताद से सीख किया है ना बड़े पक्के कैरेक्टर बड़े पक्के कैरेक्टर। मेरा पूछने का मकसद ये था ना कि आपकी पहली फिल्म जो थी इंडिपेंडेंट जी वो किस तरह आप डायरेक्टर बने ये बताया। अच्छा वो यही कि अक्रम साहब से बात शुरू हुई, हाँ अक्रम साहब से, तो अक्रम साहब ने जब ये फिल्म घर में ही फ्लॉप हो गई उनकी तो उसके बाद उन्होंने अपना अपनी प्रोडक्शन शुरू की, तो राती प्रोडक्शन राती प्रोडक्शन एक पटेल प्रोडक्शन के नाम से प्रेज उनका बड़ा भाई था, तो उन्होंने फिल्म शुरू की, अब उनके पास सिस्टम कोई नहीं था तो ज्यादा वो अब मुझे वो काम करके में देख लिए थे उन्होंने, तो उन्होंने आगे भाई साहब से कहा कि उस्ताद जी अगर आप इजाजत दें तो इजाफ होते हैं कि मेरे साथ फिल्म करवाते हैं, मैं अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मैंने फिल्म शिफ्ट की है, उसने कहा वो इजाफ मेरे साथ काम करते हैं, हाँ फारिग होगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा, तो कहने के अच्छा अब मैं एक आधा सर तो उनका किया, उसके बाद बाकी नाम शुरू की थी बाकी मैं पूरी मैं फिल्म नहीं बता सका, उसके बाद उन्होंने हैवी प्रोडक्शन शुरू की एक्शन फिल्म मैदान, उस वक्त इंदिरा गांधी में बहुत बड़ी फिल्म थी सुधीर साहब थे उसमें में थे और साबुन का टाइटल था उसे साबुन था उसे, तो ज्यादा वो मैदान में फिल्म की तो आया वो भाई साहब बात कर रही उस्ताद जी अब एक नाम से कह मेरे करवा दे फिल्म, तो क्योंकि मेरे सब पटना का सिस्टम कोई नहीं है तो उसमें भाई साहब के पास फिल्म कोई नहीं थी, मेरे कहने के हिसाब ये करो अपने साथ में फिल्म करवा दो और जब काम शुरू होगा तो फिर मेरे पास भी आएगा तो इससे भी इसका भी काम चलता रहेगा, मैं ठीक है मैंने वो मैदान करवाई
तो मैं मतदान सपोर्ट हो गया। उसके बाद अब साथ ही दूसरे ग्रीन भी कर दी सॉरी वो की उन्होंने वो भी कर दी, उसके बाद तीसरी फिल्म शुरू कर दी उन्होंने चैन चौधरी का, क्या कहेंगे कि उन्होंने वो भी सक्सेसफुल हुई वो फिल्म। अब अपना मैं भाई साहब ने इसलिए जान भाई साहब ने एक फिल्म शुरू की अपना शेजवान, तो मैंने खरी उसे आधी फिल्म की थी, तो उसके बाद चूंकि अखंड साहब का भी काम ज्यादा था तो भाई साहब पहले कह लिया अच्छा इससे अखंड के साथ कर लो, उनके साथ और भी छह सात आठ बड़े सस्पेंसिव था। अब अखंड साहब के साथ जब ये चार फिल्में हिट हो गई तो अखंड साहब ने कहा कि आप यू हो कि तुम प्रवेश प्रोडक्शन की फिल्म शुरू कर दो हमारी प्रोडक्शन के लिए, तो फिल्म बना। मैं गई थी, मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने बड़ा खुश हूँ विजय जी मुझे फिल्म में डायरेक्शन के लिए। उन्होंने कहा तुम यू करो, अजीम साहब उस वक्त एक्टाबाद थे और एक्टाबाद ही वो खाने लिखा करते थे बैठ के फिल्म में वहां चली जाएगा अजीम कादरी साहब, अजीम कादरी साहब जी। तो कैफी साहब ने उस वक्त चैनल पर रिलीज हो चुकी जी जी, तो सज्जन प्यारा के नाम से एक फिल्म शुरू की थी, उसका स्क्रिप्ट कंप्लीट करवाने कैफी साहब भी एक्टाबाद गए हुए थे। अकरम साहब ने मुझे पैसे दिए कि जाके अजीम साहब को लगवा थे ना, और उन्होंने कहना कि अकरम साहब ने मुझे फिल्म दी है और तुम अपनी मर्जी कहानी बनवा लो। यानी अकरम साहब ने पहली फिल्म आपको डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए दी उन्होंने कि तुम मेरी फिल्म पहले प्रदेश प्रोडक्शन की फिल्म तुम करो जी, तो मैंने कही ठीक है बिल्कुल। रमीज भाई एम अकरम डायरेक्टर भाई अल्ताफ हुसैन प्रदेश प्रोडक्शन जी सर। मैं एयरपोर्ट में चला गया, एयरपोर्ट में जाके वो अजीम साहब को हुई है खुशखबरी सुनाई, बड़े खुश हुए अजीम साहब। तुम पहले वो ये जानते मेरा इंडिया भी बड़ा खूबसूरत था, तो कैफी उछल बड़ा कहना कहना जी मेरी मेरा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। अजीम साहब ने कहते कभी दाव आ गया जी को आएगा स्क्रिप्ट डाले तो मैं चंद दफा ही मैंने उन्होंने स्क्रिप्ट साथ कंप्लीट करवाया था, जाने के अजीम साहब कहते आ जाएगा भैया जैसा स्क्रिप्ट करवा दिया, तो मैं कभी कभी चले जाता था उनके पास, लिहाजा मैंने कहा मेरे पास उनका करवा देता लिहाजा मेरे सज्जन प्यारा का स्क्रिप्ट उसका कंप्लीट में आ चुके। तो मैंने अजीत सिंह कहा कि मेरी कहानी अपना बताए क्या ये पैसे उन्होंने दिए उन्हें, उन्होंने कहा ये करे दोनों बैठे हुए मैं अजीत साहब रात को लेट हो गए तकरीबन ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे, कहीं साहब तुम्हारे लिए क्या नाम हुआ क्या सब्जेक्ट दो सर कोई अच्छा था दे दे रोमांटिक सब्जेक्ट रोमांटिक्स रोमांटिक अच्छा ये करते हैं कहीं एडमिट का एक वाक्य है कि उसने प्यार के फादर पर तख्त छोड़ दिया था अब मैं प्यार की जगह तो वो थोड़ा सा वाक्य को बताया मैंने ये जब करते अपने यकीन प्यार का बेटा है जरा मार वो प्यार की खातर उसने तैयार किया सारे वो ये उन्होंने वो सारा ड्राइव कर दिया। अब मुझे उसमें एक बीस दिन लगे जिसमें मैंने अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट पाया, उसका नाम रखा मैंने तेरे इश्क जाया तेरे इश्क जाया तेरे इश्क जाया। अब गुमला मेरी ये हुई कि वहां वजाहत अरबी आ गया मौसीकार मौसीकार जो है अल्लाह ये नसीब करे उसने आगे वहां वजीम का साथ के गाने वहां बनाए के बाद कई प्रोड्यूसर थे गाने जा रहे थे। अब वो दो प्रोड्यूसर थे तो उनके गाने लेके वो आया साथ ही गाने लिखा लेके लिए, तो मैंने उसको वो कह लेना चलो वजू भी आगे मैं वजू मैंने गाने कंप्लीट करवाई है और तुम्हें मेरा मिश्र देना है, तो मैंने कहा मैंने नाम रखा तेरे इश्क जाया हजीज साहब ने, तो कहने अच्छा ठीक है मैं तुम कॉपी। अब बैठे दो तीन दिन गुजर गए सज्जन प्यारे का स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब सज्जन प्यारे ने हबीब साहब तो कभी क्या लगा कि हबीब साहब को मैंने नहीं रखना मैंने आर्टिस्ट बदलना है, तो हजीज साहब कहने की भैया करो ये रोल तो बहुत कम उसके बाद हजी साहब बचे मैंने कहा सर मैं कहानी कंप्लीट होगी तो कहते मैं गाना भी मैं बनवाता हूँ तुम्हारा मैं जो आ गया उन्होंने स्थाई लिखते मैं जो होती वो स्थाई थी छेती बढ़ गई थी बीमा कहने की मैं मर गई मेरी सोच आया करके थी यही अर्थ है अब ये गाना कम्प्लीट हो गया कहानी कम्प्लीट हो गई ज्यादा जरूरी चीज कम्प्लीट करके मैं वापस आ गया लाहौर। मैंने आके अकरम साहब से कहा मेरे कहा सर कहानी कम्प्लीट गाना कम्प्लीट अब आप ओपनिंग लिखे
फिल्म का हाँ मैं फिल्म का मैं फिल्म अब बाबू जब भी आप अपने लड़के पहले जाकर अपने स्टाफ को बताऊंगा कि मुझे फिल्म नहीं चल रही है, तो उससे पहले मैंने बताना चाहता बुलाऊंगा कल वो आएगा तो गाना भी सुने, दूसरे बच्चों को बताया ऑडियंस को बता दूंगा हम लेकिन जैसे नहीं तो मैंने मैं कल बनाऊंगा बच्चों को जो बनाया आपको गाना सुनाऊंगा दूसरे बच्चों आया गाना सुनाया खेती बड़ी जब गाना सुना अपने सामने तो कहेंगे कभी इतना भी बात करो अब यहां भी काम शुरू होता है। मैं कह जी कहें यार अब मेरा कहानी बहुत अच्छी है और ये कहानी मेरे दिल को लगा यार ऐसे में मैं बना तो दिल पे लगा तू जैसा करते हैं तो वही आएगा ना अजीब सा भी लगते बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हो तो बोला ये मैं कर लेना सारी भाई जब उसने ये बात कही ना कम साल तो मैंने उनकी तरफ देखा मैंने कहा इस साल ये स्क्रिप्ट आपको दोबारे ये गाना आपको दोबारे खुदा मैंने आपके साथ काम नहीं करना उनकी नियत बदल गई जो भी हुआ मैं क्या फॉर्म के लिए स्मार्ट सिंह तो मैं उठ गया मुझे आवाजें रहते हैं मैंने सर मैंने नहीं कभी खेला आपके साथ आप मुझे दोबारा कहेंगे कि मैंने कभी आपके जब जहन में ये आएंगे मैं करूँ तो अगर अब मैं इस फिल्म को करूंगा ना तो मैं कंपनी से नहीं करूंगा बड़ा मैं खुल के काम नहीं कर सकता क्योंकि जहन में बन गया मैं तुम साथ चाहते हो मैं बताऊँ डबल माइंड में ज्यादा मैंने बाहर निकल के शुक्र किया खुदा का मैंने अपने उस्ताद को नहीं कहा तो मुझे फिल्म मिली है जो फिल्म मेरी चौधरी मैंने की थी अटल सर का उसके प्रोड्यूसर मुताब मुताब किशन वो मुझे काम करते हुए देख रहे थे देखते हाँ बड़ा अप्रिशिएट है क्योंकि उस बंदे ने मेरी अपना जो पैसे मेरी तनख्वाह जो थे ना जो मेरे दिए हुए पेपर मिलती थी उससे ज्यादा पैसे मुझे देता था 150 ज्यादा उतने मिलते हैं ये उसका रूटीन था तो ये से मुझे ज्यादा देता हो कि यार ये बड़ा जहीन है बड़ा सारे काम में भाग जो सही कदर सही होता कदरदान था। अब जब मैंने निकल छोड़ दिया बाहर निकला बाहर मुझे रंगीला नहीं गया फॉर के हाँ जी मेरा रंगीली जितने बोली हुए रंगीला अलहमदी मनोहर जी उसके बाद अपना अलीजा अनुआ कम दिन से मेरी बड़ी बड़ी दोस्ती रही है फिल्म जी हम बड़ा मैंने उनके साथ बड़ा और बड़ा फ्री फ्रेगनेंसी थी तो अच्छा कब कहता बेरा सच लग रहा है तेरे फिर देखते आना तो पाओ तेरे सच जो जैसा पोस्टर मिक्सर तू मेरे सच ले तीन नंबर उसने सच दिखाया जैसा मैंने वो किया उसके बाद इसी जगह सच के दौरान आप ही दिन चाहिए था तो वो मुश्ताक शेख का मैसेज आया कि वो शेख साहब ला रहे हैं मैं गया उनका दफ्तर था नूर गुम्बद तो वहां में चला गया मैं गया जी सर कहे इतना मेरी फिल्म को सर आप फिल्म अक्रम सामने की है और आपकी तलकाते बहुत है तो लिहाजा अच्छा नहीं लगता तो मैं करूंगा ना एक तो मेरा काफी क्लैश है फिर और लोग मेरे साथ और क्लैश है बढ़ जाए फिर नहीं आप मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म को मेरे जहन मेरे दिल में था कि मैंने अली जून दोनों तुम जिक्र मानी ठीक लिहाजा उन्होंने मुझे 5 साल एडवांस दिया अब वो 5 साल मुझे एडवांस दिया उन्होंने कहिए साइंस वाली सैनिक मैं और तुम फिर अब कहानी के लिए अब मैं हजीर साहब के पास कैसे जाऊं हजीर साहब के पास काम भी बहुत था
तो हजीर साहब की जो पेमेंट थी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नाजरीन आप सुन रहे थे हदायतकार अल्ताफ हुसैन का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू तो जारी है और इसमें कई दिलचस्प पैराए आएंगे, कई दिलचस्प मोड़ आएंगे, बहुत सी कहानियां भी बाकी हैं, तो आप इंतजार फरमाइए। आइंदा हफ्ते हम फिर अल्ताफ हुसैन साहब से ही बातें करेंगे और वो बताएंगे कि किस किस तरह फिल्मी सनत के नशे को फराज उन्होंने हल किया। शुक्रिया।